1971 का वह दिन किसे नहीं याद होगा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर आया था। इसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और जानते हैं विजय दिवस से जुड़ी कुछ विशेष बातें। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। भारत की सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बांग्लादेश के 15 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए घुटने टेकने पड़े। युद्ध का कारण पाकिस्तान की बेलगाम और क्रूर नीतियां थी। पाकिस्तान की नीतियों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ रहा था। युद्ध के लिए आगे पाकिस्तान बढ़ा था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के कई इलाकों में बम गिराए। पाकिस्तान की मंशा थी कि भारत के इलाके पर कब्जा कर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिला लिया जाए। पठानकोट, अमृतसर जैसी कई जगहों पर बमबारी हुई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पहले ही संघर्ष शुरू कर चुके थे। उनके फॉर्मूले को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर पाया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान के अत्याचारों से मासूम जनता को बचाने के लिए मुक्त वाहिनी सेना बनाई गई, जिसकी भारत ने मदद की। इन्हीं बातों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान की हरकत के बाद 3 दिसंबर को भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 13 दिन में ही सेना ने पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे हो गए। युद्ध में भारतीय सेना की गौरवशाली जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय दिवस के अवसर पर विजय ज्योति यात्रा को राजधानी दिल्ली से रवाना करेंगे। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशाल 1 साल की अवधि में पूरे देश की छावनी क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी और अगले साल नई दिल्ली में ही पूरी होगी। यह विजय ज्योति यात्रा दिल्ली से चलकर मथुरा होते हुए भरतपुर, अलवर, हिसार, जयपुर, कोटा आदि सैन्य छावनी क्षेत्रों और उनके दायरे में आने वाले शहरों का भ्रमण करती हुई वापस दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा की अवधि 1 साल की होगी। यात्रा बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी जाएगी।